एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां कोरोना के केस घटे हैं। 24 घंटे में 1550 नए कोरोना के मामले आए हैं, लेकिन इसी 24 घंटे में 207 लोगों की कोरोना से दिल्ली में मौत भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि संक्रमण दर 2.5% के आसपास हो गई है, 2.52% अब ये संक्रमण दर है। यानी 100 लोगों की अगर कोरोना टेस्ट करवाई जाती है तो उसमें 2.5% ही पॉजिटिव रेट निकलकर सामने आ रहा है। दीपक रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या एक सख्ती बरती गई लॉकडाउन और इसका भी असर माना जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से, इसलिए इसका असर आगे भी दिखे इसलिए भी सख्तियां बढ़ाई गई है? जी प्रशांत, साफ तौर पर लॉकडाउन का असर है। एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है दिल्ली में लॉकडाउन का। हालांकि जब पिछले इस हफ्ते की बात की जा रही थी तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कहा था कि अभी स्थिति काफी सुधर गई है, लेकिन एक हफ्ता हम और देखते हैं कि क्या स्थिति में और ज्यादा सुधार देखने को मिलता है नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार केसेस घट रहे हैं, संक्रमण दर कम हो रही है, अब 2% के लगभग आसपास पहुंच गई है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस हफ्ते 1% के नीचे भी ये संक्रमण दर जा सकते हैं, जिसे बेहतर कंडीशन में हम देख सकते हैं। क्योंकि महीने भर पहले की अगर हम बात करें प्रशांत, तो उस वक्त भी संक्रमण दर करीबन 1% के आसपास थी, तो उस वक्त स्थिति काफी बेहतर मानी जा रही थी। लेकिन एक बार फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे, ये संक्रमण दर 36 से 37% तक पहुंच गई थी, काफी ज्यादा मौतें भी सामने आई। लेकिन अब मामला ठीक होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द से जल्द दिल्ली का लॉकडाउन जो है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो जहां एक तरफ दिल्ली में कोरोना के केस कुछ कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान विरोध दिवस करने पर आमादा हैं और इनके विरोध दिवस के समर्थन में कांग्रेस में भी अब मतभेद सामने नजर आ रहा है। कांग्रेस के पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर आपत्ति भी जाहिर की है और किसानों से अपना फैसला रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों का यह विरोध प्रदर्शन कोरोना को फैलाने का और कारण बन सकता है, ऐसे में उनसे अपील की 26 मई को विरोध दिवस मनाने के फैसले को फिलहाल वो टाल दें। सरकार बड़ी चिंतित है किसानों के लिए, हम भी किसान हैं, मैं भी खुद किसान हूं, मैं खुद आज भी खेती करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं उनका जायज है जो वो बोल रहे हैं, लेकिन आज ये लाइफ रहेगी तभी सब लोग हम वो आगे ज़िंदगी चलाएंगे। अगर लाइफ ना रही तो हमारा कोई, देखो अब जो यंग जनरेशन है उसमें भी काफ़ी सारी मौतें होनी शुरू हो गई हैं, जो कि बड़ा एक चिंता का विषय है। तो इसलिए हमारे सीएम साहब ने तो उनको रिक्वेस्ट की है, जो वो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते वो तो उनकी उनकी मर्जी है। कुछ और विपक्षी दल हैं जिन्होंने भी किसानों के